दोस्त, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक आया कि उसमें बताया गया कि अब राष्ट्रगीत चलाना या ना चलाना अभी तो थिएटर वाला जो मालिक है उसकी मर्जी हो गई। जहाँ तक बात है राष्ट्रगीत चलाते वक्त खड़ा रहने की, तो वो तो आपको कंपलसरी खड़ा रहना पड़ेगा। देखते हैं उसके कुछ क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बारे में जानते हैं। देखो, जो वर्डिक आया है उसमें दो पार्ट है। एक तो है कि राष्ट्रगीत चलाना या ना चलाना, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि जो सिनेमा मालिक है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर राष्ट्रगीत को चलाना है तो अपनी मर्जी से चला सकता है। अगर वो उसने राष्ट्रगीत चलाया तो सबको कंपलसरी खड़ा रहना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि आज को कोई लोग तो डाउट में आ गए कि अभी तो खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक दिया है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको उधर खड़ा रहना पड़ेगा। देखो, अपना राष्ट्रगीत है उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसके लिए 1 मिनट देना कौन सी बड़ी बात है, राइट। और दूसरी बात ये रही कि राष्ट्रगीत कई सिनेमा मालिक बोल सकते हैं कि हमें राष्ट्रगीत नहीं चलाना है तो नहीं चला सकते हैं, तो विदाउट राष्ट्रगीत चलाते हुए भी सिनेमा स्टार्ट किया जा सकता है। देखो, जहाँ तक बात है कि आपको तो पता ही है, कोई भी न्यूज़ कोई भी मुद्दा हो, कोई भी टॉपिक न्यूज़ में रहता है तो उसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी करंट टॉपिक हो, तो चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या एसएससी हो, उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। देखते ही ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। और आपको पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तो एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं, उसके बैकग्राउंड को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इशू को लेकर, राइट। तो देखते हैं कि ये जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत का टाइमिंग है तो 52 सेकेंड है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं, 48 सेकेंड से लेके 52 सेकेंड तक ये राष्ट्रगीत कंप्लीट करना होता है। देखो, राष्ट्रगीत बनाया किसने, तो राष्ट्रगीत बनाया जो अपने बहुत ही बड़े मशहूर जो पोएट थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो बंगाल के हैं, उन्होंने राष्ट्रगीत बनाया था। और उनको उनका वो बाकी भी वो बहुत सारे पोएट्री है उनके लिए, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो नोबेल प्राइज़ कब मिला, तो 1913 में, 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। और वो फर्स्ट इंडियन है उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद भी बहुत सारे नोबेल अवार्डी है इंडियन, जैसे कि सी वी रमन है, उनको फिजिक्स में मिला, या मदर तेरेसा हो, उनको पीस नोबेल पीस प्राइज़ मिला। और अमित अमर्त्य सेन है, उनको इकोनॉमिक्स में मिला। या अभी लेटेस्ट में जो कैलाश सत्यार्थी है, जो क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड राइट के लिए जो काम करते हैं, उनको पीस प्राइज़ मिला। ये भी बाकी सारे नोबेल अवार्डी है। और देखिए, इसमें दो है, नेशनल सॉन्ग भी है और नेशनल एंथम है। तो नेशनल एंथम मतलब जनगण मन, और नेशनल सॉन्ग्स तो आपको पता ही है कि वंदे मातरम है। तो इस दोनों में फ़र्क ये है कि राष्ट्रगीत है मतलब नेशनल एंथम है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। और आप पूछोगे कि नेशनल जो सॉन्ग है या वंदे मातरम है जो किसने लिखा है, तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दोनों भी नाम उनके हैं, वो भी बंगाली है, उन्होंने बना है। चलो मैं उनका आप फोटो आपको दिखा देता हूँ। ये रहे रविंद्रनाथ टैगोर जी, और जिन्होंने राष्ट्रगीत बनाया। और एक बात बता देता हूँ कि राष्ट्रगीत कब एडॉप्ट किया इंडिया ने। तो देखिए, जब 26 जनवरी 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक हुआ, तो उसके ठीक 2 दिन पहले मतलब 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम हमने एडॉप्ट किया। उसके साथ साथ नेशनल फ्लैग भी हमने उसी दिन पे एडॉप्ट किया। ये दोनों भी डेट याद रख सकते हैं। तो जहाँ तक बात है वंदे मातरम की, वंदे मातरम बनाया ये है पर्सन बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, उन्होंने वंदे मातरम बनाया। चलो, मैंने इनका फोटो कभी देखा नहीं था, जो मैंने आज देखा तो आपको दिखा दिया, राइट। ये रहे रविंद्रनाथ टैगोर। और देखिए, दूसरी बात है दोस्तों कि पेट्रोटिज्म की, अगर कोई भी नेशनल फ्लैग हो या नेशनल एंथम हो या कोई भी राष्ट्र का जो चिन्ह है या राष्ट्र का जो सिंबल है, तो यार हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। अपने इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, हर एक स्टेट का अलग अलग कल्चर है, हर हर स्टेट में अलग अलग कास्ट है, रिलीजन है। अगर सब बोलेंगे कि हमारे अपना रिलीजन है, अपनी कास्ट है, उसको लेकर चलेंगे, तो देश कभी आगे नहीं होगा। देश को इकट्ठा रखने के लिए, देश में यूनिटी रखने के लिए हमें जो नेशनल के जो भी सिंबल्स है उनको हमें इज्जत देनी पड़ेगी, तभी तो हम एक भारत कहने के लिए लायक है मतलब।
अगर हम अपने राष्ट्रगीत की इज्जत नहीं कर सकते तो हम अपने को इंडियन कहने के लिए अपने को कोई हक नहीं, राइट। तो दोस्तों बस इतना ही आज की वीडियो में, बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए दूसरा ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ इट। थैंक यू, बाय बाय, वंदे मातरम। टू गेट द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट जनरल नॉलेज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन टू गेट नोटिफिकेशन।